एग्जाम फेल करने से जो थोड़ा बहुत हुआ था वो तो हुआ था, लेकिन जो बाहर वाले और एक रिश्तेदार आप लोग जानते कैसे होते हैं, जब वो आकर मेरे पेरेंट्स से कहते थे कि आपकी बार फिर फेल हो गई, क्या होगा आपकी लड़की का, ये टाइम सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाला होता है ना, जब आपकी वजह से आपके पेरेंट्स या घर वालों को बोला जाता है। यू कैंट वंडर कि जैसे कि 8 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं तो मेरी 7.5 लाख रैंक आई थी। So, आपने ये चीज़ स्टार्ट कैसे करी? डिड यू स्टार्ट विद अ कोर्स और डिड यू स्टार्ट सेल्फ लर्निंग बाय रीडिंग बुक्स? किस तरीके से आपने शुरुआत करी? तो मैं पढ़ती उसको 2 घंटे थे, जैसे कि 2 घंटे का आज लेक्चर है तो 2 घंटे का लेक्चर पढ़ा, बट उसको प्रैक्टिस करना दैट टुक मी 4 आवर्स। सो जस्ट डबल उसके घंटे का मैं प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज हम लोग सब लोग जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मैंने इसी Hi everyone, I am Fraz and I am a software engineer at Google. तो आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ शंभवी गुप्ता हैं, जिनकी एज सिर्फ 20 ईयर्स है। शी इज अ डेटा साइंस इंजीनियर करंटली अर्निंग 35 LPA। 35 LPA जो है वो बेस सैलरी है, दिस इज नॉट द CTC। सो उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शी फेल्ड हर JEE एग्जाम, तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई Tier 1 कॉलेज नहीं है। शी स्टार्टेड अर्निंग इन हर सेकेंड ईयर से उन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट किया। करंटली शी इज इन 3rd ईयर। So yes, let us listen to her story, how you can pursue this field, इस field को आप लोग कैसे pursue कर सकते हैं, not only this field, maybe आप लोगों को software engineer बनना है, android developer बनना है, machine learning engineer बनना है, तो all these things are possible, so काफ़ी motivational story है, just listen till the end, please like the video before starting and let's get started. Hi Shambhavi, how are you? Hey Fraz, I'm good, how are you doing? I am good too. So, आज हम आपकी सारी स्टोरी डिस्कस करेंगे और एक सीक्रेट भी हमें बताना है कि हाउ यू आर अर्निंग 35 लैक्स पर एनम बीइंग इन सेकंड ईयर। पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो आप हमें अपना। ओके, सो हाय एवरीवन, मेरा नाम शांभवी गुप्ता है और करेंटली मैं 20 ईयर्स की हूँ। मैं अपना बीटेक परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मैं एज अ फ्रीलांसर वर्क करती हूँ फॉर मेनी कंपनीज, विल टेल यू आगे कि मैं कौन कौन सी कंपनीज में वर्क करती हूँ। Yeah, that's what all I am doing currently. और people मुझे आजकल जानते हैं as a youngest data science educator in India के नाम से। Nice, such a nice introduction. So, first of all, congratulations for this tag, youngest data science educator. Thank you. Yes, अब हमें ये भी बताना कि आपने ये सब start कैसे किया था, starting से, बिल्कुल शुरुआत से आपसे पूछेंगे। So, let us start with your college. आपका कौन सा college है? Is it a Tier 3 college और क्या क्या opportunities होती हैं आपके college में? यस, मेरा कॉलेज एक Tier 3 कॉलेज है एंड लाइक वी नो कि Tier 3 कॉलेजेस में जो कंपनीज आती हैं दैट आर वेरी लिमिटेड ऑल्सो। सो या ओके, सो हाउ डिड यू गेट एडमिशन इनटू दिस कॉलेज? इज इट बेस्ड ऑन योर JEE एग्जाम? सो लाइक मेरे डैड चाहते थे कि मेरी 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर IT JEE। ही वॉन्टेड मी कि मैं IT में जाऊँ, वहाँ पे जाके इंजीनियरिंग करूँ। सो ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन। सो व्हेन आई वाज इन 12th, सो 12th में मैंने JEE का एग्जाम फिल किया एंड यू कैंट वंडर कि जैसे कि 8 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं तो मेरी 7.5 लाख रैंक आई थी। सो दैट वॉज अ टाइम कि ठीक है, मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आपके पास लक नहीं होगा मेरा मेरे साथ, एक बार वापस से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ईयर मैंने फिर भरा, बट मैंने सिर्फ JEE नहीं भरा था, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भरे थे लाइक आपके बिट्स, KIT और ACCC, जैसे जितने भी होते हैं टॉप इंजीनियरिंग के एग्जाम, सारे फिल आउट करे थे। सो विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स उसके अंदर में ही मैंने 50+ एग्जाम्स अपने फेल किए थे। जस्ट मुझे इंजीनियरिंग का एक कॉलेज चाहिए था, एक अच्छा कॉलेज जिससे मैं BTech कर सकूं, एंड मुझे वो नहीं मिल पाया। सो एट लास्ट मेरे पास ये ऑप्शन था कि नहीं, मुझे अब कोई प्राइवेट कॉलेज में ही लेना है। सो बेस्ड अपॉन माय 12th मार्क्स, वो भी बहुत अच्छे नहीं थे, मुझे कोई बहुत अच्छी स्कॉलरशिप नहीं मिली उसमें भी, बट या मुझे कॉलेज मिला LPU। नाइस, तो काफ़ी एडवेंचरस स्टोरी है ये। और क्या वो फेज डिप्रेशन वाला फेज था, उस टाइम पे डिप्रेशन हुई थी? हाँ जी, डिप्रेशन एक्चुअली एज इन मुझे एग्जाम फेल करने से जो थोड़ा बहुत हुआ था वो तो हुआ था, लेकिन जो बाहर वाले और एक रिश्तेदार आप लोग जानते कैसे होते हैं, जब वो आकर मेरे पेरेंट्स से कहते थे कि आपकी बार फिर फेल हो गई, क्या होगा आपकी लड़की का, ये टाइम सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाला होता है ना, जब आपकी वजह से आपके पेरेंट्स या घर वालों को बोला जाता है। सो उस टाइम में बहुत ज़्यादा, जब मेरा 1.5 साल के बाद आई टुक अ ब्रेक अराउंड आप टू मंथ्स का, सो उस टाइम पे काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी बट तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा पॉडकास्ट में अभी तक, और आगे चल के हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो कि डेटा फील्ड में आना चाहते हैं,
तो कोडिंग इन विडर्स पे आप लोगों को एक प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम मिल जाएगा जहाँ पर आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से सिखाई जाएंगी, कोई प्री रिक्विजिट वगैरह नहीं होता है। तो जो भी चीज़ें एज अ डेटा एनालिस्ट अगर आपको जॉब लेनी है तो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सभी कुछ यहाँ पर सिखाई जाएंगी विद द हेल्प ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं और आपको एक मेंटोर दे दिया जाता है जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आपके साथ रहेगा। लाइव वेबिनार्स होती हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू और 100% प्लेसमेंट की गारंटी होती है। तो प्रोग्राम के बारे में अगर आपको और जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप लोग जान सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो प्लेटफॉर्म काफ़ी ट्रस्टेड है और यहाँ पर आप लोगों को 93% जो लोग इसमें इनरोल करते हैं प्रोग्राम में उनकी प्लेसमेंट लग जाती है। बचे हुए जो 7% लोग जो कि किसी रीज़न से कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग पाई, तो उनको मनी बैक कर दिया जाता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। आपको जो भी रिक्वायर्ड होगा टू गेट अ जॉब वो सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा। आपका रिज्यूमे बिल्डिंग होगी, आपके इंटरव्यूज़ होंगे, मॉक इंटरव्यूज़, आपके इंटरव्यूज शेड्यूल कराए जाएंगे कंपनीज में अंटिल यू गेट प्लेस, और लगभग 6.5 महीने का प्रोग्राम है ये। सो यस, डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको 30% डिस्काउंट चाहिए यू कैन यूज़ माई कोड FRAZ। ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। खैर, अब तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। सो टेलस कि आपने स्टार्ट कैसे किया, मतलब यू आर इनटू डेटा साइंस फील्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलस अबिट अबाउट डेटा साइंस फील्ड एंड हाउ डिड यू एक्चुअली एक्सप्लोर इट। क्योंकि ये जो होता है ना, हमें काफ़ी टाइम बाद पता चलता है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो डेटा साइंस कोई कर नहीं रहा था, मेरे को अवेयरनेस भी नहीं थी इस चीज़ की। एवरीवन वाज बिहाइंड SDE रोल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। तो डेटा साइंस रोल के बारे में थोड़ा सा बताओ एंड टेलस कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस रोल। ठीक है, मैं पहले आपको डेटा साइंस के बारे में बताती हूँ। जैसे कि जब भी विन अ चाइल्ड, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग उसकी कुंडली बनाते हैं, लाइक उसमें उसके जितनी भी चीज़ें होती है सब बताते हैं। सो एज अ एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। इसी तरीके से डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो कंपनी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो अपनी कंपनी वो आगे कितना और किस तरीके से लाना चाहिए, किस तरीके से लॉन्च करना चाहिए, किस मार्केट में B2B या B2C कैसी मार्केट में करना चाहिए, किन एरियाज में करना चाहिए। तो जो भी आपके प्रीवियस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में हेल्प आउट करते हैं। ये होता है डेटा साइंस। अब मैं डेटा साइंस में कैसे आई, मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही कि जब मैंने 12th कंप्लीट कर लिया, एग्जाम्स इतने फेल करने के बाद डिप्रेशन से जब थोड़ा सा बाहर आई, सो सबसे पहले मैंने ये फाइंड आउट किया कि मुझे जो चीज़ें मैं रट्टा मारती हूँ वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, या चीज़ें जो उसमें मेरा दिमाग यूज़ होता है मुझे वो अच्छी लगती हैं। तो आई फिगर्ड कि नहीं, जिन चीज़ों में मेरा दिमाग यूज़ होता है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे चीज़ें बहुत रट्टा मार कर याद नहीं होती हैं बिल्कुल भी। सो अब ये चीज़ तो हो गई कि डिसाइड हो गया कि मुझे लॉजिकल साइड पे जाना है। अब लॉजिकल साइड पे क्या क्या फील्ड्स थे उस समय पे, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, ये सब बहुत ज़्यादा उसमें बूमिंग टेक्नोलॉजीज थी, बहुत मार्केट में आई हुई थी। सो मैंने किया क्या कि इन सबको एक्सप्लोर करना एक बार से शुरू किया कि वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, डेटा साइंस में क्या क्या चाहिए होती है, AI में क्या क्या यूज़ होती हैं, क्या क्या टॉपिक्स यूज़ होते हैं। बिकॉज ऐसा होता है कि आपका कोई एक फील्ड होता है उसमें आपके पसंद के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। सो मुझे मेरे लिए डेटा साइंस परफेक्ट लगा। मुझे जो भी चीज़ें पसंद थी, मुझे कोडिंग पसंद है वो डेटा साइंस में है, मुझे मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी लगती है वो भी उसमें है, और इवन मुझे ग्राफ्स वगैरह बनाना बहुत पसंद था। जब हम लोग के 7th क्लास में थे तो अगर आपको याद है तो मैथ से हम लोग को ग्राफ्स बनाए जाते थे, बार ग्राफ, पाई चार्ट, उनको बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो दैट सेम वो डेटा साइंस में वो सब चीज़ें थी। सो इन सब चीज़ों को पूरा एक्सप्लोर करके डिसाइड करके मैंने डेटा साइंस अपनी एज अ मेन फील्ड को चूज़ किया और फर्दर उसी में अपना आगे कैरियर मैंने परस्यू किया। गॉट इट। सो व्हेन यू आर सेइंग कि करियर परस्यू किया, यू आर स्टिल इन 3rd ईयर, राइट? तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है होने के लिए। सो यस, यू आर डूइंग ग्रेट अभी से ही काफ़ी ज़्यादा। सो टेल अस कि आपने, चलो फाइनली डिसाइड कर लिया कि आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है बाई एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड यूजुअली यही होता है कि लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। मतलब मेरे केस में ऐसा था कि मैंने वेब डेवलपमेंट भी ट्राई किया था, मैंने थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग भी ट्राई किया था, एंड्रॉयड मैंने इतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया था, बट या आई न्यू कि ये मेरा मतलब मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। सो आई वेंट विद वेब डेवलपमेंट। सो दैट्स हाउ पीपल शुड एक्सप्लोर, कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने ऑन द प्लेट, जस्ट गो टू देम वन बाय वन एंड सी
कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है एंड फाइनली परस्यू दैट. सो आपने ये चीज़ स्टार्ट कैसे करी? डिड यू स्टार्ट विद अ कोर्स और डिड यू स्टार्ट सेल्फ लर्निंग बाय रीडिंग बुक्स? किस तरीके से आपने शुरुआत करी? सो मैंने डेटा साइंस से स्टार्ट किया था. मैंने एक पेड कोर्स लिया था एंड वो कोर्स अराउंड 6 मंथ्स का था. सो वेरी बेसिक, मतलब पाइथन से स्टार्ट करके उन्होंने मशीन लर्निंग सब कुछ पूरा उस कोर्स में कवर किया था. इवन काफ़ी डिटेल में कवर किया था. तो वो मेरा एक इनिशियल सबसे बेसिक कोर्स था जो मैंने लिया और मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा नॉलेज मैंने उसी पर्टिकुलर कोर्स से ली थी. तो आपका पाइथन हुआ, आपका SQL, फिर टैबली हुआ, आपका मशीन लर्निंग, मैथ्स, उसकी सब चीज़ें टोटल उस कोर्स में कवर थी. सो मैं करती क्या थी एक्चुअली इस कोर्स में कि हम लोग को ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते थे, वही वीडियोस आपको वॉच आउट करके अपना पढ़ना होता था और डिस्कशन फोरम्स थे, उसमें आपने क्वेश्चंस पोस्ट आउट कर सकते थे. तो मैं पढ़ती उसको 2 घंटे थी, जैसे कि 2 घंटे का आज लेक्चर आया तो 2 घंटे का लेक्चर पढ़ा, बट उसको प्रैक्टिस करना दैट टुक मी 4 आवर्स. सो जस्ट डबल उसके घंटे का मैं प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज हम लोग सब लोग जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो मैंने इसी प्रैक्टिस को काफ़ी आगे तक चल करते हुए एंड दैट इज़ कि मैंने अपना डेटा साइंस का पूरा यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट करी, उनको सीखा और फर्दर अब मैं उसी पे काम कर रही हूँ. Got it. So ये कौन से ईयर की आपकी स्टोरी है? Is it in first year or did this happen in second year? कौन से ईयर में होता है? Actually मैंने अपने कॉलेज स्टार्ट ही नहीं किया था. मैंने जनवरी 2020 में इस कोर्स को लिया था और मैंने अगस्त 2020 में अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था. सो मेरी एडमिशन से अराउंड 7 मंथ्स पहले की बात है. नाइस. तो वही है, क्यूरियोसिटी होती है तो लोग उससे एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें कि क्या क्या ऑप्शन हैं. चलो ठीक है, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, हाउ डिड यू स्टार्ट अर्निंग? सो पहली अर्निंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पहली अर्निंग मेरी स्टार्ट हुई थी यूडमी. आप सब लोग जानते होंगे यूडमी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें कोर्सेज वगैरह भी सेल. सो मैंने वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. सो अप्रैल 2021 दैट वॉज द डे कि मैंने फर्स्ट टाइम अपना कोर्स उस पर डाला था. सो वहाँ से लाइक मैंने और कोर्सेज डालते गए. अब तो मेरे पास करेंटली 15 कोर्सेज हैं, 60,000+ स्टूडेंट्स हैं, 173 कंट्रीज हैं. सो दैट वॉज अ मेन प्लेस जहाँ से मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट करी. गॉट इट. अच्छा, ये जो डेटा साइंस फील्ड है, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, तो इस फील्ड का स्कोप क्या है अगर एक स्टूडेंट ये परस्यू करना चाहता है या फिर इसमें स्विच करना चाहता है, बेसिकली फ्रॉम एनी अदर रोल SDE से डेटा साइंस में स्विच करना चाहता है, तो क्या स्कोप है, क्या ओपनिंग्स होती हैं कंपनीज में, कितनी रिक्वायरमेंट? हाँ जी, लाइक डेटा साइंस इस समय सबसे लाइक बहुत ज़्यादा रोल में क्यों है, बिकॉज स्टार्टअप्स बहुत आजकल बढ़ रहे हैं. तो जहाँ कंपनी है, जहाँ स्टार्टअप है, कोई भी नई कंपनी ओपन होती, सबसे पहले आपको डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट का काम आता है. बिकॉज आपको कुछ भी लॉन्च करना है, आपको हर चीज़ वो देख के करनी पड़ती है कि किस एरिया में करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, राइट? सो वो सारे काम आपके डेटा साइंटिस्ट आपकी हेल्प करते हैं उन सारे कामों को करने के लिए. सो स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है. फ्रेशर्स में डेटा एनालिस्ट का जो रोल है वो काफ़ी लिया जाता है एंड कंपनीज प्रेफर कि डेटा एनालिस्ट का आप रोल स्टार्टिंग में लें फॉर 2-3 ईयर्स. जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए अच्छा खासा डेटा एनालिस्ट में, तो फिर आप डेटा साइंटिस्ट के रोल पे जाइए. सो इस तरीके से फ्रेशर्स के लिए पूरा सिस्टम रहता है. और टॉपिक्स की बात करें तो सेम वही है, आपका पाइथन, आपका SQL, मशीन लर्निंग, टैबली और स्टैटिस्टिक्स. केवल ये 5 टॉपिक्स है, बस आपको इनको काफ़ी डीपली पढ़ना होता है अच्छे से. एंड इवन हम लोग करते क्या कि हम लोग वीडियोज़ को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कोर्सेज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, उसको मतलब पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए. एंड दैट इज़ कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको अपना डेटा साइंस की फील्ड में आप बहुत अच्छे से आगे उसमें जा सकते हैं. यस, बाय द वे शंभवी का एक यूट्यूब चैनल भी है वेयर शी ऑल्सो टीच डेटा साइंस रिलेटेड स्टफ, सो डेफिनेटली चेक इट आउट. और मैंने भी अभी एक कोर्स लॉन्च किया है, दैट कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं. वेबसाइट लॉन्च किया बेसिकली, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, जाके पढ़ो. और हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आराम आराम से टॉपिक को पढ़ो, डोंट रश थ्रू इट कि मेरे को यार आज दिन में 50 क्वेश्चन लगा लेने हैं, 10 क्वेश्चन लगा लेने हैं. डोंट कीप दैट काइंड ऑफ टारगेट. टारगेट ये रखो कि जो भी पढ़ेंगे ना उसको आराम से पढ़ेंगे और एंड तक पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से कवर करेंगे उसको. और रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ रिविजन्स भी करते रहना चीज़ों का, क्योंकि एक हमारी टेंडेंसी होती है कि हम ना कुछ टाइम बाद चीज़ों को भूल जाते हैं. हमने आज एक चीज़ पढ़ी, एक हफ्ते बाद वॉलेटाइल होती हैं चीज़ें, दिमाग से निकल जाती हैं, बीट डेटा साइंस, बीट वेब डेवलपमेंट या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. तो रिविजन्स भी इंपॉर्टेंट है. मेरी अभी शंभवी से बात हो रही थी, तो शी टोल्ड मी दैट शी यूज्ड टू डू रिविजन्स एज वेल, राइट?
हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आज कोई चीज पढ़ा तो लाइक उसको 1 वीक पढ़ करके सारे के सारे को कंबाइन करके आप संडे को उसको रिवाइज करो, अगेन उस तरीके से आप प्रोसीजर्स कर सकते हो रिवीजन के। राइट, ओके शंभवी, सो टेल अस की वेयर ऑल डू यू वर्क एंड कितना आप एक साल में कमा लेते हो? ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं एज अ इंस्ट्रक्टर यूडमी में वर्क करती हूँ, जो मैंने अपना फर्स्ट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट मैंने स्टार्ट किए थे गीक्स फॉर गीक्स में, वहाँ पे मैं एज अ वीडियो कंटेंट क्रिएटर वर्क करती हूँ उनके यूट्यूब चैनल और उनकी वेबसाइट्स के लिए। थर्ड स्टेप मैंने लिया था अपना अपग्रेड के साथ, जहाँ पे मैं एज अ SME वर्क करती हूँ उनके लाइव सेशंस जो कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के लिए होते हैं उसके लिए। फोर्थ स्टेप मेरा था ग्रेट लर्निंग, सो वहाँ पे मैं वीडियो कंटेंट क्रिएट करती हूँ उनके चैनल और उनकी वेबसाइट के लिए। फिफ्थ स्टेप था मेरा ट्यूटोरियल्स पॉइंट, उस पर मैं अपने कोर्सेज को अपलोड करती हूँ। सिक्स्थ स्टेप था मेरा लैम्डा टेस्ट, सो लैम्डा टेस्ट एक लाइक ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, एक ऑटोमेशन की कंपनी है, सो लाइक थोड़ा सा ऑटोमेशन भी हमारा यूज होता है वेब स्क्रिपिंग वगैरह डेटा साइंस में, तो उससे रिलेटेड है। और सेवन्थ है मेरी आई जयपुरिया, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है। सो करेंटली मैं इन ऑल 7 कंपनीज में वर्क कर रही हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है कि सारा डेटा साइंस और पाइथन से ही रिलेटेड है मेरा। सो एक फील्ड है उसी में सारी कंपनीज में रिलेटेडली मैं वर्क करती हूँ। और हाउ मच आई अर्न, सो एक साल में आई अर्न 35 लाख्स पर ईयर, दैट इज व्हाट आई डू। एंड यू हैव बीन डूइंग दिस सिंस योर सेकंड ईयर, राइट? यस, सिंस माय सेकंड ईयर आई हैव बीन डूइंग। ग्रेट ग्रेट, तो यार कॉलेज में इतने तगड़े भी ऑफर नहीं मिलते, बिकॉज 35 हेयर इज बेस, ये बेस सैलरी है, ये CTC नहीं है। CTC में आपके बोनस होते हैं, आपके ज्वाइनिंग बोनस 50 चीज़ें होती हैं, बट दिस इज़ दी बेस सैलरी। सो यस यार, अगर आपके पास विल पावर है और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं किसी चीज़ में, सो यू कैन अर्न, देर इज़ नो लिमिट टू दैट। बहुत सारी यहाँ कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि आपको हायर करने के लिए रेडी होंगे। आप पढ़ा सकते हैं, यू कैन बी एन एजुकेटर इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, बस यू जस्ट हैव टू बी फोकस, यू जस्ट हैव टू बी श्योर कि आपको करना क्या है आगे जाके, ठीक है? JEE में रैंक आए या ना आए, देर आर पॉसिबिलिटीज। थैंक यू सो मच शंभवी फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस, एंड आई होप ये सभी के लिए यूजफुल रही होगी, क्योंकि कई बार लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि किसी जगह पे वो सोचते हैं एडमिशन हो जाएगा और नहीं हो पाता है, तो उनको लगता है कि यार आगे कुछ फ्यूचर में होगा नहीं, बट देर आर ऑप्शंस अगर आप मेहनत करेंगे तो। सो शंभवी इज़ एन एग्जाम्पल हियर, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग ऑल दिस विद अस।